और अब बात करते हैं झारखंड की खबरों की। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा बिहारी मारवाड़ी समुदाय पर दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस का एक खेमा इस बयान को लेकर सफाई देने में जुट गया है, तो वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ ने रामेश्वर उरांव पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हाल ही में रामेश्वर उरांव ने कहा था कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है और राज्य में बिहारी और मारवाड़ी लोग भर गए हैं। बिहार के सरकारी हाई स्कूल में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार ने दो साल पहले जुलाई 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, तभी पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया, जिस कारण नियुक्ति प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी। आपको बता दें कि बिहार में हाई स्कूल और प्लस टू में 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। जमुई में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के पहले और दूसरे दिन कदाचार के आरोप में कुल 44 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक सोमवार को 21 जबकि मंगलवार को 23 परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त पाए गए। इंटर परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिले के पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर में अपराधियों ने घुसकर मकान मालिक के साथ मारपीट की है। घायल व्यक्ति को ग्रामीणों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल राजा प्रसाद ने बताया कि 10-12 की संख्या में अपराधी अचानक घर में घुसकर खाली करने को कहने लगे। खाली नहीं करने पर बंदूक की बट से मारकर जख्मी कर दिया। जमशेदपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता ने बताया कि पिछले रविवार की रात को काम कर घर लौटने के दौरान चार युवकों ने पास के शौचालय में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। गश्ती पर निकले पुलिस बल को युवती लावारिस हालत में मिली। काफी पूछताछ के बाद युवती ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार युवकों को हिरासत में लिया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार सभी आरोपी पीड़िता को पहले से ही जानते थे। पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा एक लावारिस हालत में एक लड़की को बरामद किया गया है और उन्होंने ये बताया कि बीते दिन एक दिन पूर्व उनके साथ बलात्कार घटना होने का संभावना उन्होंने बताए थे। पूछताछ में उनके द्वारा जो है बयान काफ़ी बदल बदल कर बोलने पर हम लोगों को कठिनाई हुई घटना के बारे में अनुसंधान करने में, लेकिन आखिर आज सुबह हम लोगों को सब कुछ इसमें पता चला कि वो परसों रात में अपने कपड़ा दुकान में काम करने के बाद शाम में 8 बजे अपना घर वापस लौटते दौरान चार व्यक्ति उनके जो पहले से परिचित थे उन अपने एरिया का है उनके द्वारा उनको बगल में स्कूल में ले जाके और वहाँ पर टॉयलेट में। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला दानापुर का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामाधार प्रसाद की गोली मार दी। घटना दानापुर SSP के कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर खंडजा रोड की है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामाधार प्रसाद सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। देखिए, घटना सुबह का समय था और मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, डेली का उनका रूटीन वॉक है और पीछे से किसी ने हमला किया है। वो दो लोग भागते देखे हैं और सुबह मौसम भी कुहासा था, कुछ क्लियर साफ देख नहीं पाए। दो लोग देखे हैं और मार करके भागे हैं।